शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 के श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद एजुकेशन का हब बन रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली और नोएडा के बच्चे भी फरीदाबाद में पढ़ने के लिए आएंगे। हरियाणा के स्कूल कॉलेज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, वह शिक्षा पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में काम हो रहा है और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में भी सरकार लगातार प्रयासरत है। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, बहन सुषमा स्वराज के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में है, आज शिक्षक दिवस है। और जिस तरह से इस कॉलेज ने सारी सीटें जीती पीजी की, वो भी फुल, हर कर क्षेत्र में हर कोई भी सब्जेक्ट उसमें इस कॉलेज की बेटियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सरकारी आज मजबूत ढांचा हम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रोफेसर हैं लेक्चरर हैं अपने योग्यता के आधार पर हैं, और योग्यता के आधार पर जितनी प्रोफेसरों की जितनी सिलेक्शन हुई है, और लोग चाहते हैं हरियाणा पे भरोसा विश्वास, और शिक्षा पे जब से ना खर्ची ना पर्ची जब से विश्वास बढ़ाए और फरीदाबाद आने वाले शिक्षा का हब बनेगा। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल रितिका गुप्ता ने कहा कि जिला स्तर का कार्यक्रम कॉलेज में रखा गया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत ही मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है हमारे कॉलेज के प्रति, और जब हमने उनसे टाइम लिया कि हम उनको ऐसे इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही खुश हुए कि मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे छात्रों को संबोधन करना है। और हमने अपना जी जान लगा दिया कि हम मंत्री जी के आगे बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुति कर सकें। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान इस कॉलेज के अब तक के पिछले सभी प्रिंसिपलों को बुलाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा फरीदाबाद के अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भी सम्मानित किया गया। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।